नमस्कार जोहार, आप लोग का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। और आज मनसा पूजा का दूसरा दिन है, जिसको हम लोग पारना भी बोलते हैं। और आज बहुत सारे मेहमान हमारे घर में आने वाले हैं पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो चलिए आज यहीं से ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह सुबह नाश्ता का तैयारी हो रहा है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों नाश्ता में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। तो बने रहिए देखने के लिए शुरू से लेके एंड तक, आज कौन कौन मेहमान लोग आता है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए ये है हम लोग का सुबह का नाश्ता, मटन अभी बन रहा है सब मेहमान लोग के लिए। और पहले फटाफट से, तो गाइस देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं बहुत दिन बाद पोखर में। बहुत दिन बाद क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है पोखर में स्विमिंग के लिए। और काफ़ी अच्छा, देखिए अभी हरा भरा सब तरफ दिख रहा है, देखिए हरा भरा है। और आज जम के स्विमिंग करना है, जम के एकदम स्विमिंग करना है। रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलता है स्विमिंग करने का, तो आज टाइम निकाल के आए हैं। तो चलिए उसका लुत्फ़ और मज़ा उठाते हैं स्विमिंग करके। और देखिए चारों तरफ इसका पहाड़ी पहाड़ है, देख सकते हैं पहाड़, ये सब भी पहाड़ है। और अभी सुबह के हो रहे 8, तो फटाफट से नहा लेते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एकदम चारों तरफ नज़ारा है पोखर का। और अभी पूरा एकदम गहरा है, पूरा माइंड से, मतलब पहले खदान था ये ओपन कास्ट माइंड, पूरा एकदम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना नीचे है, पूरा पानी भर चुका है अभी तो। काफ़ी सालों से बंद है, लगभग 15-20 साल हो गया बंद हो गया ये खदान, तो उसी में पानी भर गया। और पहले तो बड़ी भयानक दिखता था, अभी तो डंपिंग करके ये सब डंप कर दिया है, इसलिए आधा ढक गया है। इसका दुगना था, दुगना तीन गुना था, देख सकते हैं पूरा एकदम लंबा चौड़ा करके। हाँ ये हम लोग पोखर में एंजॉय करते हुए, ये रहा मेरा पहला बोल्ट, देखो ना वो, ये रहा मेरा पहला बोल्ट। अरे ये हमारा गुज्जी, ये रहा मेरा गुज्जी, सुईला जैसे सुईला, क्रिस क्रिस। ले कर एक हाथ से भी ले, तो देखिए फाइनली यहाँ पर मेरा नहाना हो चुका है और ये लोग नहा रहा अभी भी। और तो जल्दी फटाक से ये लोग को, चलो नहा जल्दी। मैं कुछ कर रहे हैं, और जो जो कोयला बचा जा रहा नीचे लाने के लिए, जो जो कोयला बचा जा रहा फिर नीचे लाने के लिए। देखिए एक पहाड़ वो भी है, दूसरा पहाड़ वो है, तीसरा वो है, ठीक है। और ये पहाड़ बन ही रहा है अभी डंपिंग से। यहाँ नहाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, देख सकते हैं कितना फ्रेश पानी, पूरा फ्रेश पानी। शिवाजी द बॉस। तो अभी देखिए हम लोग पोखरिया से आ चुके हैं नहा के, और हम लोग का नाश्ता जो है
लग चुका है। अरे पंकज दा, तो चलिए खाते हैं और मेहमान लोग का वेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन आता है। वैसे तो इनविटेशन दिए हैं बहुत जन को, देखते हैं, क्योंकि बहुत ही कम जन आने वाला है, क्योंकि सब जगह एक ही साथ हो रहा मन सब पूजा, इसलिए देखते हैं कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं, तो बने रहिए देखने के लिए। और अभी खा लेते हैं हम लोग। तो देखिए अभी आ गया मेरे हमारे घर पे दीपांजन दादा, विकास और अक्षय प्रसादी खाने के लिए। और हमको एक चीज समझ एक चीज हम लोग बताइए, एक चीज बताइए, ये लड़का सावन पाल रहा है, कैसा सावन पाल रहा है? मेरा कोई प्याज लहसुन नहीं है, प्याज है इसका, प्याज लहसुन चला फिर भी बोला सावन पाल रहा है, कौन सा सावन दादा? अच्छा आप ही लोग बताइए कमेंट्स में कि कौन सावन है ये, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मीट रखा हुआ है, मीट नहीं खा रहा, पनीर का सब्जी खा रहा है। तुम्हें बता कौन सावन है? यहाँ पे रख दिया है, रख दिया है। दीपांजन विकास अक्षय चलो बाय, ठीक से जाना। चलो तो अभी देख सकते हैं हम लोग का सब, वो लोग दोस्ती लोग चल गया है, दोस्त लोग अभी हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। इधर रहा ब्लॉगर, एगो इंस्टाग्राम रील्स बनाता है। तो अभी हम लोग प्रसादी खा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से फिर बाद में। तो देखिए हम लोग का रात वाला खाना लग चुका है, रोटी है, सलाद है, क्योंकि चावल दोपहर में खाए थे, अभी टीवी देख के खा रहे हैं यहाँ सब। यो यो, तो चलिए खा के फटाफट से जाते हैं सोने के लिए। सो फाइनली यहाँ हम लोग का खाना पीना जो है कंप्लीट हो चुका है, अब जाते हैं सोने के लिए, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है। तो सोने का अभी तैयारी चल रहा है, अभी मतलब थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक पी के सोते हैं। ये रहा दूसरा, अभी जा रहे हैं सोने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तब तक से अपना ख्याल रखें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय।